you all are well at home and taking good care of yourselves. Today we are going to read lesson number, poem number first of your English book. It is on page number 21 of your English book. Its name is Wandering Singers. Do you know who are the Wandering Singers? Wandering Singers वो होते हैं जो कोई छोटी छोटी stories को singing के through बताते हैं, singing करते हुए एक place से दूसरे place पर move करते रहते हैं. So let's start the poem without wasting the time. Start. Okay. Where the voice of the wind calls our wandering feet through echoing forest and echoing street, with lutes in our hands, ever singing we roam. All men are kindred, the world is our home. In first stanza में ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो wandering feet हैं, wandering feet मतलब हमारे जो घूमते हुए पैर हैं, उनको हवा जो है वो आवाज लगा रही है. हवा विंड की जो वॉइस है वो पुकार रही है. कहाँ से पुकार रही है? फॉरेस्ट से, स्ट्रीट से एक गूंजती हुई आवाज आ रही आती है और हमारे घूमते हुए पैरों को पुकारती है. विथ लर्ट्स इन आवर हैंड्स, क्या होता है लर्ट्स? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे गिटार होता है ना, वैसे ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम सितार बोलते हैं. आपने देखा होगा सितार, या पिक्चर में देखा होगा, कहीं देखा होगा सितार. उनके हाथ में सितार रहता है, हम अपने हाथ में सितार लेकर घूमते हुए सिंगिंग करते हुए हम घूमते रहते हैं. और हमारे जो ग्रुप है ना सिंगिंग का, वो क्या है? एक फैमिली है. और ये जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है? हमारा घर है. आर फेस आर ऑक्सीज हूज डस्टर इज शेड, द लाफ्टर and beauty of woman long died, the sword of all battles, the crown of all kings, and happiness, simple and sorrowful things. इसमें भी बताना चाह रहे हैं कि वो किस चीज के बारे में सिंगिंग करते हैं. वो बता रहे हैं कि हम हमारे हाथ में गिटार वगैरह लेकर हम सिटी टू सिटी घूमते हैं, हम सिटी टू सिटी जाते हैं और हम छोटी छोटी स्टोरीज को सिंगिंग, छोटी छोटी पोएम्स को सिंगिंग के थ्रू सबको बताते हैं. हमारे पोएम्स में, हमारे सॉन्ग्स में किसके बारे में बताया जाता है? जो बहुत पुराने जमाने की वुमेन्स की जो ब्यूटी हुआ करती थी, उनका जो लाफ्टर हुआ करता था, जो आज के ज़माने में खत्म हो चुका है, बिल्कुल मर चुका है, उनके बारे में हम बताते हैं. हम युद्ध की तलवारों के बारे में बताते हैं, राजाओं के ताज के बारे में बताते हैं, क्राउन्स के बारे में बताते हैं. हम हैप्पी के बारे, हैप्पीनेस के बारे में बताते हैं और सोरो के बारे में बताते हैं और सिंपलिसिटी के बारे में भी बताते हैं, जो आजकल ये क्या है, बिल्कुल खत्म हो चुका है. इन सब चीज़ों के बारे में हम बताते हैं हमारे सिंगिंग के थ्रू. What hope shall we gather? What dreams shall we sow? Where the wind calls our wandering footsteps we go. No love bids us tarry, no joy bids us wait. The voice of the wind is the voice of our fate. इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम क्या वो इकट्ठा करेंगे, हम क्या सपने बोएंगे. हम सिर्फ उसी दिशा में चले जाते हैं जहाँ से विंड हमें पुकारती है, हवा हमें आवाज लगाती है और हमारे जो वैंडरिंग फुटस्टेप्स हैं, हमारे जो घूमते हुए कदम है वो उसी दिशा की ओर बढ़ जाते हैं. कोई भी खुशी, कोई भी आनंद, कुछ भी हमें ज़्यादा देर तक एक जगह पर नहीं रोक सकता है. वॉइस, हवा की आवाज़ ही क्या है? हमारा भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, हमारी दुनिया है. दिस पोएम वॉज रिटन बाय सरोजिनी नायडू.